एमएमएस न्यूज, ताकत कलम की। भैया आज जो फैसला आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, पुनर् जो रिव्यू पिटीशन लगाई थी, क्या मानते हैं उसमें आप? उसमें 50% से अधिक तो संविधान में जो नियम है आरक्षण की, 50% से अधिक तो मिल ही नहीं सकता है। और जो 14% पूर्व से ही जो पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज में जो व्यवस्था की थी माननीय श्री जी विजय सिंह जी के समय, वो 14% यथावत है। तो भाजपा का मुझे बड़ा दुख और अपने आप में बड़ा अफसोस हो रहा है कि इसमें भाजपा कार्यालय पे तुरंत जाके मिठाई खाने जैसा तो कोई काम हुआ नहीं। हाँ, अगर 27% आरक्षण की बात होती तो हम फिर भी समझते कि सरकार ने पक्ष रखा, और ये तो वही यथास्थिति है जो पूर्व में थी। हमारी मांग तो ये थी कि 27% आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को, क्योंकि प्रदेश में 51% से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। कांग्रेस ने अभी ये भी कहा कि हम 27% ओबीसी कैंडिडेट उतारेंगे, ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा भी उतारेंगे, तो आपका क्या मानना है? ये तो हम पहले से ही, कांग्रेस तो दलित ओबीसी वर्ग को पहले से ही सत्ता में भागीदारी देते हुए आई है। मनुवादी पार्टी तो है नहीं भाजपा जैसी कांग्रेस, जहाँ सिर्फ उच्च वर्ग का ही बोलबाला देता है। हर जिले में देख लो आप, संघ के पदाधिकारी देख लो या किसी भी सत्ता में भागीदारी देखो, तो 4-5 जो अच्छे परिवार रहेंगे समृद्ध, उन्हीं की भागीदारी रहती है और सत्ता में चलती भी उन्हीं की है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मेरे को तो टेलीविजन में जब मैंने देखा चैनलों में, तो भाजपा के नेताओं की बुद्धि पर मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि इसमें 27% तो अभी लागू हुआ ही नहीं है, 14% ऐसा ही स्थिति रखी है, तो इसमें इन्हें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया जो इतने ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इतना जनता को कम बुद्धि का क्यों आंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश और प्रदेश में। आपका नाम है? पंडित नीतीश त्रिपाठी।